नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र कुमार। आप देख, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कमाल की सक्सेस स्टोरी। और इस सक्सेस स्टोरी का मेरा मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार देना, क्योंकि अगर आप ये सक्सेस स्टोरी सुनोगे तो आप खुद हक्के बक्के रह जाओगे कि दो युवा जिनकी उम्र अभी 15 से 16 साल के बीच है, उन्होंने सिर्फ 4,000 रुपये से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 50-60 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सक्सेस स्टोरी आखिर क्या है। तो मैं आज आ गया हूँ इनके पास, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो सक्सेस लोग होते हैं ना, उनको बहुत ही जल्दी टीवी मीडिया या फिर न्यूज़ के माध्यम से या फिर लोग उनको बहुत हाईलाइट कर देते हैं। वैसे इनको भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है कि ऐसे युवा जो सिर्फ 4,000 रुपये से 60,000 रुपये प्रति महीना कमा रहे, उनके बाद उनके पास इतना कोई था नहीं कि वो इतना कुछ बड़ा कर सके, लेकिन वो जीरो से हीरो बने। तो अब इनकी सक्सेस स्टोरी इनके मुंह से ही सुन लेते हैं कि आखिर इतनों ने 4,000 रुपये से इतना बड़ा कॉन्सेप्ट वो किस प्रकार से खड़ा किया है। ऐसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ आपको, और आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम यशवंत कंसारा है और ये मेरे भाई है मोहित कंसारा। हम दोनों भाई साथ में मिलकर कमाते हैं और हम शिव गंगानगर के रहने वाले हैं। और इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले हम पढ़ाई करते थे। मैं 10वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ और ये 12th क्लास का स्टूडेंट। तो ये आइडिया आपके दिमाग के अंदर किस प्रकार से आया कि मैं ये बिजनेस करूँगा, इतना बड़ा मार्केट कैप्चर कर लूँगा, इतने पैसे कमा लूँगा, मतलब कि सीखा कहाँ से और ये क्यों सीखा आपने? आपकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है अभी। हमने ये इसलिए सीखा क्योंकि मॉम डैड मतलब मेरे पापा जी काम कर रहे थे किसी मजदूरी पर, तो उनके पास पैसे नहीं आए थे। लॉकडाउन की वजह से पैसे की बहुत जरूरत पड़ गई थी, फिर मैंने पैसे मांगने बंद कर दिए डैड से। फिर हमने दोनों भाइयों ने मिलकर सोचा, फिर हम दोनों भाइयों ने मिलकर कुछ ऐसा सोचा कि हम बिजनेस करें, कुछ अच्छा बिजनेस करें, तो फिर हम दोनों भाइयों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया अभी। तो मतलब ये देख लिया कि यानी कि पैसे कमाने की कोई उम्र नहीं होती है, कि आप चाहो तो मतलब कि 10वीं क्लास के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है वो आज इतने सारे पैसे कमा रहा है, तो उनका मकसद भी यही होता है कि मैं पैसे किस प्रकार से कमाऊँ। अब ये दोनों बालक है, ये पढ़ने वाले मतलब 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर। अब आपने देखा होगा कि जो 10वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके हाथ के अंदर मोबाइल होता है और पबजी गेम पूरे दिन भर लगे रहते हैं कि मैं पबजी खेल रहा हूँ या फिर कोई अदर गेमिंग करते हैं, लेकिन इनकी जो आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी उसके बावजूद इन्होंने इतना अच्छा काम सीखा। और मैं फ्यूचर के अंदर भी कामना करता हूँ कि जैसे कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो ये जल्दी से जल्दी अब सीख ले, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा मार्केट कैप्चर कर लिया है। तो मतलब कि जो अभी स्कूल की फ़ीस देते वो आपके पापा मम्मी देते या आप अभी खुद देते हो? जो भी आप स्कूल की फ़ीस दे रहे हो वो कौन देता, पापा मम्मी देते या खुद देते? और ये आपने जो पैसे बचाए, ये जो किट खरीदा, ये कहाँ से खरीदा है? जो कि ये जो फीस थी जो हम पहले मेरे मॉम डैड देते थे, अब हम देना शुरू कर दिया क्योंकि अब हमने बिजनेस कुछ अच्छा कुछ कर लिया है, तो हमने अब हम देते हैं फीस स्कूल की। तो आप मैंने कि सारी स्कूल की फीस दे दो, इसके बाद जो पैसा बच रहा है वो भी आप घर पर ही? हाँ, देते हो? वो भी हम घर पर देते हैं। और सबसे मेन सवाल आपका ये कि अभी ये बिजनेस आपने सीखा कहाँ से, और ये बिजनेस का आइडिया इतनी बड़ी हिंट देने के लिए आपको कुछ मतलब कि हिंटर भी मिला होगा जिसने आपको हिंट दी होगी, आपने सीखा कहाँ से? हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे तो सडनली अचानक ये वीडियो सामने आया, हमने देखा कि इसमें बिजनेस के लिए प्रॉफिट के लिए अच्छा था पैसे वगैरह कमाने के लिए, तो बस वीडियो देखा और फिर से। तो आपने इसको मंगवाया किस प्रकार से, क्योंकि बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं कि कहाँ से किस प्रकार से मंगाऊंगा, उसके अंदर क्या हमें बातचीत करनी होगी, फिर इसका मार्केट आपने कैसे खड़ा किया? तो हमने देखा था कि यूट्यूब की इस वीडियो के नीचे इनके मोबाइल नंबर दिए हुए थे, तो मोबाइल नंबर राइट ह्यूमन एप्लीकेशन करके कोई है, तो हमने उनको कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि हम उनकी कोई राइट ह्यूमन करके एप्लीकेशन थी, तो हमने उनको इंस्टॉल की और ये सामान मंगाया वहाँ से। मतलब कि अब आपने जो सामान तो मंगा लिया, फिर आपने मार्केट को कैप्चर किस प्रकार से किया? अभी आपके पास टोटली कितनी सारी दुकान है जिनके ऊपर ये अपने माल की सप्लाई करते हो? जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब हमारे पास 5 या 6 दुकान थी, तो हम उनके अंदर माल सप्लाई करते थे। अभी हमारे पास मार्केट में बहुत से 200-300 दुकान है जिनका हमारा माल सप्लाई होता है और हमें अच्छे से पैसे मिल जाते हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है हमारा। और कुछ अब आप काम किस प्रकार से करता है वो मुझे जल्दी से बता दो। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि बहुत ही मज़ेदार बिजनेस है, मतलब कि आपको इतने सारे काम करने के बजाय अगर आप छोटा मोटा भी काम करते हो ना तो अच्छे खासे पैसे कमा लोगे। मैं इनकी हेल्प भी कर देता हूँ। तो मुझे इस किट के साथ ना 300 पीस पेपर मिले, ठीक है, 1 वेट मशीन, ठीक है, 2 किलो का पाउच, और ये मुझे इसके साथ 600 विजिटिंग कार्ड, और ये सीलिंग मशीन है जो मुझे इसके साथ मिली, एक ये आप देख सकते हो स्टेपलर, और इसके साथ मुझे एक स्टैम्प पैड मिला है, और थोड़े बहुत इसके साथ मुझे ये सैंपल ऐसे रबड़ हो गया, और ये मसाले वगैरह। तो मुझे पूरा टोटली किट 4,000 रुपये में मिला था, और मैंने जिसमें 500 रुपये एडवांस किए और बाकी के 3,500 रुपये मैंने वो डिलीवरी बॉय जब आया तब दे दिए, और उसके बाद मैंने 5 से 6 बार इनके पास वापस माल भी मंगाया था।
तो अब आपने देख लिया कि किस प्रकार से आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो इन दो भाइयों से सीख कर। जब आप बहुत ज़्यादा सीखोगे तब बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। और फ्यूचर के अंदर अगर आप इस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हो तो जुड़िए हमसे, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे दिए हैं। और जिस प्रकार से इन भाइयों ने एक बड़ा कॉन्सेप्ट खड़ा किया है, उसी प्रकार से आप भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट खड़ा करिए ताकि लोग आपकी सराहना कर सके और आप अच्छे खासे पैसे वो कमा सके। और इसी प्रकार के बिजनेस वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल राइट वुमन को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।